Assalamu alaikum grade 4, I am your English teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus, Bhalwal. This is our lecture number 7. So grade 4, tell me any quality of your friend. Friends तो सबके हैं ना, अपने friend की qualities बताएं, hurry up. Very good, वो naughty है और intelligent भी है, इसके अलावा और qualities भी बताएं. आपकी friend beautiful भी है और फैट भी है और इसके अलावा शी इज ब्रेव, वो ब्रेव भी है. और कोई क्वालिटी बताएं. शी इज टॉल, वो टॉल भी है. तो आपने अपने फ्रेंड की क्या क्या क्वालिटीज बताएं. शी इज नॉटी, शी इज इंटेलिजेंट, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज फैट, वो ब्रेव भी है, एंड शी इज टॉल और वो टॉल भी है. सो ग्रेड 4, ये जो सारी क्वालिटीज हैं जिनमें कोई गुड क्वालिटी भी आप बता सकते हैं और कोई बैड क्वालिटी भी हो सकती है. किसकी क्वालिटी? किसी भी नाउन की क्वालिटी, किसी भी नाउन की गुड क्वालिटी या फिर बैड क्वालिटी को एडजेक्टिव बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Yes, very good, एडजेक्टिव बोलते हैं. ये हम लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी नाउन की गुड क्वालिटी या बैड क्वालिटी को एडजेक्टिव बोलते हैं. ओके ग्रेड 4, नाउ ओपन योर बुक्स पेज नंबर 12. पेज नंबर 12 पे आपके एडजेक्टिव्स हैं. एडजेक्टिव्स किसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं? नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं. जैसे यहाँ पर देखें एग्जाम्पल्स में, लुक एट दीज पिक्चर्स. फिश बोन्स, फिश बोन्स. बोन्स किसकी बोन्स? फिश की बोन्स. तो यहाँ पर बोन्स की फिश क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. अ गार्बेज ट्रक. कौन सा ट्रक? गार्बेज ट्रक. अब गार्बेज ने किसको डिस्क्राइब किया? ट्रक को. ट्रक इज नाउन. अ प्लास्टिक बैग. बैग कौन सा बैग? प्लास्टिक बैग. सो प्लास्टिक इज एडजेक्टिव. ए पार्ट में देखिए एक्सरसाइज के कि सेंटेंसेस आर गिवन, उन सेंटेंसेस में से हमने अंडरलाइन करना है एडजेक्टिव्स को. नंबर 1, जैक इज माय बास्केटबॉल कोच. जैक जो है वो मेरा बास्केटबॉल कोच है. क्या यहाँ पर कोई वर्ड ऐसा है जो जैक को डिस्क्राइब कर रहा है? नो. बास्केटबॉल कोच, बास्केटबॉल किसको डिस्क्राइब कर रहा है? कोच को डिस्क्राइब कर रहा है. तो यहाँ पर बास्केटबॉल जो है वो एडजेक्टिव होगा. अंडरलाइन द बास्केटबॉल क्योंकि वो कोच को डिस्क्राइब कर रहा है. कोच इज नाउन. नंबर 2, माय मदर बेक्ड मी अ बर्थडे केक येस्टरडे. अब मदर भी यहाँ पर नाउन है. क्या कोई वर्ड यहाँ पर नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है? नो. बर्थडे केक, बर्थडे केक, केक इज नाउन. केक को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? बर्थडे केक. ये जो केक है वो बर्थडे केक है. अंडरलाइन द बर्थडे. बर्थडे इज एडजेक्टिव क्योंकि वो केक को डिस्क्राइब कर रही है. नंबर 3, प्लीज वेट फॉर मी एट द बस स्टेशन टुमारो मॉर्निंग. अब यहाँ पर बस स्टेशन में देखें कि स्टेशन इज नाउन. स्टेशन जो है, अब यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी हो सकता था, कोई सा भी स्टेशन हो सकता था, बट यहाँ पर बस स्टेशन है तो बस को अंडरलाइन करें और यहाँ पर एडजेक्टिव राइट कर लें, ए राइट कर लें इसके ऊपर कि बस जो है वो एडजेक्टिव है क्योंकि बस जो है वो स्टेशन को और ज़्यादा डिस्क्राइब कर रही है. स्टेशन इज़ अ नाउन. बाकी के 2 सेंटेंसेस में से भी आप ऐसे ही अंडरलाइन करेंगे जो एडजेक्टिव्स होंगे. नाउ ओपन योर वर्कबुक्स पेज नंबर 7. पेज नंबर 7 पे अगेन से आपके एडजेक्टिव्स हैं. वर्ड्स दिए गए हैं, 4 वर्ड्स हैं. बस, टेनिस, टॉय एंड फ्रूट. हमने ब्लैंक्स में फिल कर देना है. रोबोट, कौन सा रोबोट? बस, नो. टेनिस रोबोट, No. Toy robot? Yes. Very good. This is toy robot. Number 2 में देखें बॉल. कौन सी बॉल है ये? बस बॉल है या टेनिस बॉल है? Very good. Grade 4. This is tennis ball. Number 3, driver. कौन सा ड्राइवर? बस ड्राइवर. आपके ऑप्शंस में गिवन है. बाउल ऑफ डैश सैलेड. कौन से सैलेड का बाउल? फ्रूट सैलेड. Very good. अब ये जो सारे हमने ब्लैंक्स में वर्ड्स लिखे हैं, they are adjectives. वो नाउन को और ज्यादा डिस्क्राइब कर रहे हैं. बी पार्ट में देखें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स इन द बॉक्स. बॉक्स में अगेन से वर्ड्स दिए गए हैं. पेंसिल, कंप्यूटर, एप्पल, राइस, पेपर, डायमंड. इन वर्ड्स को हमने ब्लैंक्स में राइट करना है. Mom bought me a new dash case recently. Mom ने मुझे अभी अभी एक बॉक्स लेके दिया. कौन सा बॉक्स? पेंसिल बॉक्स. वेरी गुड, राइट. पेंसिल अब ये भी एडजेक्टिव है. जैक स्पेंड्स मेनी आवर्स प्लेइंग डैश गेम्स एवरी डे. जैक जो है वो कौन सी गेम्स खेलने में टाइम स्पेंड करता है? कंप्यूटर गेम्स. कंप्यूटर भी अब एज एडजेक्टिव यूज हुआ है. बाकी की ब्लैंक्स भी आप यूं ही फिल करेंगे या वेरी इजी नीटली फिल करेंगे आप लोग, और फिल करने के बाद आप उसको लर्न भी करेंगे. नाउ ओपन योर नोटबुक्स, राइट योर डे, राइट योर डेट एंड टिक योर होमवर्क. आवर टॉपिक इज वर्ड सेंटेंसेस. पहला वर्ड है हमारे पास गार्बेज, जिसका सेंटेंस है पुट द गार्बेज इन द डस्टबिन, कि गार्बेज जो है वो डस्टबिन में गिराओ. श्रेड्स, श्रेड्स का मीनिंग क्या था? वेरी गुड, टुकड़े. द कैट टोर द पेपर टू श्रेड्स. राइड, राइड का होता है सवारी करना. आई लाइक टू राइड अ हॉर्स. नेक्स्ट वर्ड है बीस्ट. द गार्बेज ट्रक लुक्स लाइक अ बीस्ट. लास्ट वर्ड है स्टक. द व्हील्स वर स्टक इन द मड. पहिए जो थे वो मिट्टी में फंस गए थे. ओके, ग्रेड 4 वी हैव डन ओवर टुडेज वर्क. आप इसको याद करेंगे और याद करने के बाद यू हैव टू राइट ऑन योर रफ रजिस्टर्स. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड खुदा हाफिज.